बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान, सभी नगर निगमों पर होगी भाजपा की जीत, जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है, निकाय चुनाव के परिणाम सकारात्मक है। अखिलेश के कर्नाटक दौरे पर जयवीर सिंह ने तंज कसा है, अखिलेश बड़े नेता हैं और इसीलिए कर्नाटक के दौरे पर हैं, अखिलेश एसी कमरों में बैठकर राजनीति कर रहे। हमारे साथ इस समय पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, एक चीज जानना चाहेंगे, जो दूसरा चरण भाजपा ने लक्ष्य रखा सभी 17 नगर निगम जीतने का, पहले चरण में 10 सीटें थी नगर निगम की लेकिन सब भाजपा की थी, दूसरे चरण में मेरठ और अलीगढ़ ऐसे हैं जो पिछली बार बसपा जीत गई थी, तो चुनौती बड़ी? कोई चुनौती नहीं, हम लोग लक्ष्य को हासिल करेंगे और 17 के 17 नगर निगम इस बार जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहे हैं, परिणाम सकारात्मक है। और इसके साथ ही साथ हम लोग नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, बेहतर परिणाम ला के लाने का काम करेंगे, ऐसा जन समर्थन, जन आस्थाएँ, जन भावनाएँ और जन आशीर्वाद के बल पर कहने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष और नीचे के नेता तो कर रहे हैं लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचार में आके नहीं दिखे, पहले चरण में भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कुछ जगह गए और दूसरे चरण में तो हम देख रहे हैं कि 5 से 7 तारीख तक उनका कर्नाटक का ही दौरा है, उनका तो निकाय चुनाव से ज़्यादा कर्नाटक पे फोकस दिख रहा है। बड़े नेता हैं, उनको लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी है, तो उत्तर प्रदेश तो विधानसभा चुनाव जब हुए थे 2022 को आपको याद होगा कि मतदान से पहले ही उन्होंने अपने को मुख्यमंत्री मान करके सारी गतिविधियां और अपना और व्यक्तिगत परफॉर्मेंस शुरू कर दिया था, कार्य व्यवहार एज चीफ मिनिस्टर शुरू कर दिया था। आज भी उन्हें लग रहा है कि कर्नाटक में भी समाजवादी पार्टी, यहाँ भी समाजवादी पार्टी फूफा है, क्योंकि राजनीति और सत्ता दोनों उन्हें विरासत में मिली है, तो धरातल पर आने में उनका विश्वास नहीं है, जनता के बीच आने का विश्वास नहीं है, विरासत की राजनीति है। अब कितना कर पा रहे हैं आप भी देख रहे हो, एयर कंडीशन में और एसी में बैठ करके राजनीति नहीं हुआ करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में मंत्री जयवीर सिंह, कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर इमरान मसूद के मेरठ में प्रचार को लेकर सपा ने भी पलटवार किया है, सपा प्रत्याशी का दावा है कि उनके आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ साइकिल ही दौड़ेगी। इमरान मसूद है, सहारनपुर आप देखते हैं बीएसपी के पश्चिम यूपी के प्रभारी हैं, अब इमरान मसूद भी यहाँ पे मेरठ आ रहे हैं कल और कह रहे हैं कि लगातार कई जनसभाएं करूँगा और कई तमाम चीज़ें करूँगा कि बसपा तो हमेशा मजबूत रही इसलिए बसपा को धार दूंगा, तो क्या सपा पे कोई असर पड़ेगा? ऐसा कोई असर सपा पे नहीं पड़ रहा, सपा अपने आप में मजबूत है, सपा का प्रत्याशी अपने आप में मजबूत है। माननीय अतुल प्रधान जी, यहाँ पर आप देखो वह जनता के बनाए हुए विधायक हैं और जनता सब जानती है, जो बचपन से बच्चा संघर्ष करता हो, जिसके माँ बाप चले जाते हों, बाप का साया सर से उठ जाता है, जो बचपन से संघर्ष करता हुआ आया हो, आज भी संघर्ष कर रहा है, तो भगवान सबसे बड़ी ताकत होती है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता जिसे चाहेगी उसे जिता देगी, जनता हमारे साथ है, तो मैं तो मानती हूँ हमारी जीत सुनिश्चित है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।